बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बुधवार को जोधपुर की एक कोर्ट में पेश किया गया, जहां सलमान ने खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। सलमान खान को आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में पेश किया गया था। सलमान खान को अब तक अदालत में पेश नहीं होने की छूट दी गई थी। अभियुक्त ने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट कहा कि उसे इस प्रकरण में बिल्कुल झूठा फंसाया गया है। 4 अक्टूबर 1998 को एक स्थानीय अखबार में खबर छपी थी, उसके बाद ये झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और झूठे वन विभाग ने गवाह तैयार करके ये केस को तैयार किया। उसने भी अपने बयान में ये स्पष्ट कहा कि मैंने जोधपुर शहर में कभी भी अवधि पार होने के बाद अपने हथियार अपने कब्जे में नहीं रखे। आपको बता दें कि 1998 में हिंदी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के करीब कांकाणी गांव के बाहर इलाके में कथित रूप से 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। काला हिरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्राणी है। इस मामले में सलमान पर कुछ अन्य सितारों के साथ मिलकर हिरण का शिकार करने का आरोप है। सलमान खान पर उसी दौरान अवैध हथियार रखने का भी आरोप लगा था। उन पर लाइसेंस की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद हथियार रखने का आरोप है। हिरण शिकार मामले में सलमान खान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था वो अवधि पार थे, यानी कानूनी रूप से उनकी लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी। लेकिन सलमान खान ने आज कोर्ट में इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने शिकार ही नहीं किया है। इस मामले में आगामी 10 तारीख को सुनवाई होनी है। नवनीत साकी के साथ विक्रम दत्त, न्यूज एक्सप्रेस, जोधपुर।